देखिए, हिंदुओं की लगातार हत्याएं हो रही हैं और विशेष वर्ग द्वारा एक मॉब लिंचिंग बनाकर हिंदुओं की हत्या की जाती है और पूरा समाज, पूरा मीडिया, कहीं से कोई प्रतिक्रिया नहीं होती। अखबारों में तहरीर दी जाती है अवरेज की, तरवेज की, और जब हिंदू जब मरता है तो सब खामोश हो जाते हैं। बॉलीवुड से कोई आवाज नहीं आती, अवार्ड वापसी गैंग सो जाता है, लंबी लंबी चादर तान के बुद्धिजीवी सो जाते हैं, कहीं कोई आगे नहीं आता। तो हिंदुओं की हत्याओं पर आखिर समाज क्यों मौन रहता है? हिंदू भी एक आदमी है, इस देश का नागरिक है, इसमें बहुसंख्यक कहलाता है, और जब केवल अल्पसंख्यक की हत्या होती है तब पूरा समाज उठ के खड़ा हो जाता है और बहुसंख्यक हिंदुओं की हत्या पर पूरा समाज सो जाता है। तो हमें हिंदुओं की हत्याओं पर होने वाली हत्याओं के लिए आगे आए हैं हम, और हिंदू धर्म रक्षा दल के द्वारा हमने आज ये ज्ञापन दिया है। अपने खून के रक्त से अगर जरूरत पड़ी हम अपने बलिदान करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारे हिंदुओं की हत्या रुकनी चाहिए। सरकार से क्या मांगे आपकी? जी, सरकार से हमारी मांग है कि ऐसी कड़ा प्रतिवाद किया जाए उनके खिलाफ, जो है कि आगे से कोई भी उन्मादी भीड़ हिंदुओं की हत्या करने के लिए आतंकित ना करे हिंदुओं को। और फांसी तो एक अंतिम वो है सजा, लेकिन इस तरह की प्रतिक्रिया सरकार की ओर से होनी चाहिए। उनकी संपत्ति तुरंत जब्त कर ली जाए और उनके जो बड़े बड़े मौलाना हैं जो उनको उकसाते हैं वो भी इस कानून के दायरे में आए, और जो हमारे यहाँ जो NSA और कोटा जैसी धारा चल रही है उनके अंतर्गत उनको जेल में भेजा जाए। पैदा करती है नंबर एक, पूरे देश में मुस्लिम कट्टरपंथियों द्वारा हिंदुओं की हत्याओं पर रोक लगाई जाए तथा मुस्लिम कट्टरपंथियों द्वारा बड़े मौलानाओं पर प्रतिबंध लगाकर मुकदमा चलाया जाए। नंबर दो, हिंदुओं की हत्याओं पर मुस्लिम कट्टरपंथियों की संपत्ति जब्त किया जाए तथा अचल संपत्तियों पर बुलडोजर चलाकर नष्ट किया जाए। मॉबलिंग नंबर तीन, मॉबलिंचिंग से मरने वाले हिंदुओं के परिवारों को 1-1 करोड़ रुपये मुआवजा तथा परिवार के एक सदस्य को नौकरी दी जाए। पूरे हिंदुस्तान में हिजाब को लेकर समस्या चल रही है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? हम ये कहना चाहते हैं इसके बारे में, देखिए पहले तो ये समझना पड़ेगा हम लोगों को सबको कि ये हिजाब जो है क्या है हिजाब, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि ये जो मुसलमान ये जो चाहते हैं कि ये देश शरीयत से चलेगा, ये कभी नहीं हो सकता। ये देश हमेशा संविधान से चला है, कानून से चला है, और संविधान से ये चलेगा। इसमें अब वो जमाना बीत गया जो इन मुगलों ने अपनी मनमानी की थी, बहन बेटियों को उठाते थे। आज हमारा हिंदू जो है जाग चुका है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि हिजाब पहन करके आप सबसे, मैं एक प्रश्न कर रहा हूँ, आप जितने लोग यहाँ खड़े हुए हैं, आप किसी न किसी विद्यालय में सब लोग पढ़े होंगे, अध्ययन किया होगा, क्या कभी आपको किसी कक्ष में गुरुजी ने बिना ड्रेस के घुसने दिया कमरे में? आप सबसे पूछ रहा हूँ मैं, किसी ने घुसने दिया किसी अध्यापक ने? इसलिए क्योंकि ड्रेस जो है एक सीमा है उसकी, जैसे मान लो 7 बजे से 12 बजे तक विद्यालय चलेगा, 12 बजे के बाद आप स्वतंत्र हैं, कुछ भी पहनिए, कुछ भी खाइए, कुछ भी कहीं भी रहिए, कहीं भी जाइए, लेकिन आप विद्यालय में आएंगे तो आप ड्रेस में आएंगे। दूसरी बात है, ये ड्रेस का मतलब क्या है? ड्रेस क्यों पहनी जाती है विद्यालय में, पता है आपको? ये ड्रेस इसलिए पहनी जाती है कि जब बच्चे जब स्कूल में आते हैं तो आपने देखा होगा कि गरीब के बच्चे भी उसी वस्त्र को पहनते हैं और अमीर के बच्चे भी उसी वस्त्र को पहनते हैं। इसलिए ये ड्रेस बनाई है कि हमारे विद्यालय में गरीबी, अमीरी, बलवान या कमजोर वाली जो है परिस्थिति न रहे, ये भेदभाव मिटाने के लिए ही ड्रेस जो है पहनाई जाती है। और इनका जो उद्देश्य है मुस्लिम जो लोगों का, इनका हिजाब से मतलब नहीं है, इनका मतलब ये है सीधा सा कि ये इस्लामिक देश बनाना चाहते हैं और ये अब हिंदू होने नहीं देगा।